जुर्री के हवाले से आज का शो है हमारा और ये पार्ट टू है। पार्ट वन आप लोगों ने देखा, पार्ट टू में और बहुत सी जुर्री मेरे पास जिसके हवाले से मैं बात भी करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि जुर्री जो है उसका लुक किया। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माई चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, आज भी आपके लिए बहुत सारी ज्वेलरी, जी हाँ आज भी आप सबके लिए बहुत सी ज्वेलरी। इन ज्वेलरी के हवाले से मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन सी ज्वेलरी कब की है, तो आपको अंदाजा होगा कि ये ज्वेलरी कितनी पुरानी है और आज तक मैंने किस तरह से इसको संभाल के रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट मेरा एक सेट है, ये कुंदन का, ये देखिए ये कुंदन का सेट है और ये मैंने मेरे भाई की शादी हुई थी 2003 में, ये 2003 का सेट है। ये आज भी मैं पहनती हूँ तो लोग पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से लिया। कितना अच्छा इसका लुक है, ये कुंदन का सेट है और ये मुझे बहुत पसंद है और अब ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अब मैं आपको फॉर्मल सेट दिखा रही हूँ, ये आप कैजुअल वेयर में नहीं पहन सकते। वैसे कैजुअल वेयर की मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, कुछ उसमें फॉर्मल भी थी लेकिन अभी मैंने जो स्टार्ट लिया है वो फॉर्मल से लिया है। तो ये गरारा, शरारा, लॉन्ग मैक्सी, कोई भी चीज़ आप पहन रहे हैं इस तरह की फॉर्मल ड्रेसिंग कर रहे हैं उसमें, बस कोशिश यही है बहुत भरा भरा काम आपके ड्रेस में ना हो, अदरवाइज़ इसकी अपनी जो खूबसूरती है वो छुप जाएगी। अच्छा जी, ये सेट मैंने आपको दिखा दिया, इसको भी मैं वापस अंदर रखूं और अब मैं आपको कुंदन का एक और सेट दिखाऊंगी। ये देखें, ये सेमी फॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, ये आप इवनिंग पार्टीज में भी वेयर कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसके बाद ये एक और सेट है, ये भी कुंदन का ही है, ये भी सेमी फॉर्मल है, ये टू मच फॉर्मल नहीं है, आप इसको भी कहीं पे वेयर कर सकते हैं इवनिंग पार्टीज में। अच्छा, अगर आप इसको कंप्लीट सेट नहीं पहनना चाहते हैं तो ना पहने, आप सिर्फ नेक पे भी पहन सकते हैं और नेक पे ना पहने सिर्फ आप कानों पे भी इसको इसकी जो इयररिंग्स हैं वो आप वेयर कर सकते हैं, तो उसमें भी आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब मैं आपको इसके एक इयररिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत सी इयररिंग्स हैं, ये देखें ये इसकी इयररिंग्स हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको पहन के दिखा दूँ, देखिए कितना अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। तो आप वैसे ही इसको वैसे भी पहन सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इसके नेकलेस को भी वेयर करें फिर आप इसको भी वेयर करें, दोनों चीज़ें वेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक चीज़ भी आप पहन सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा प्यारा सा सेट है, ये भी आपका 2001 का है, ये देखें पीछे इस तरह से इसका लग जाएगा, ये भी फॉर्मल नहीं है, सेमी फॉर्मल है और अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप गले का नहीं पहनना चाह रहे तो उसके कान के छोटे से टॉप्स हैं आप इसको वेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं इसको साथ साथ अपने इसमें खजाने को जो है ना वो बॉक्स में डालती चली जा रही हूँ कि खजाना मेरा जो है वो इधर उधर ना हो। अच्छा, इसके अलावा ये ज्वेलरी देखिए कितनी खूबसूरत है, आपको पता है ये 2001 की ज्वेलरी है, इसकी खूबसूरती आज भी वैसी है, इसकी शाइन आज भी वैसी है जैसे मैंने लिया था इसको। ठीक है, ये यूं आ गया और इसके साथ इस तरह की रिंग, ये इजिली आप कानों में इस तरह से वेयर कर सकते हैं और अगर आपको इसका नेक का नहीं पहनना आप हटा दीजिए, आप सिर्फ कानों की रिंग्स भी पहन सकते हैं, ये भी अच्छी लगेगी, इयर रिंग भी अच्छी लग रही है। चले जी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कब की है ज्वेलरी, इसको भी हम वापस अंदर रखते हैं, दिखा रही हूँ, ये देखें ये जो है ये 2000 की है और ये अब ये एंटीक ज्वेलरी में आती है, उस वक्त जो है ये बहुत आसानी से मिल गई थी लेकिन अब मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इसकी इयररिंग्स भी बहुत खूबसूरत हैं, ये नहीं, ये देखें ये 97 का सेट है, बहुत सिंपल सा है, ब्राउन कलर का है, इसमें वाइट वाइट से वो भी लगे हुए हैं और ये बहुत सिंपल, आप इसको इस तरह से वेयर कर लीजिए। ठीक है, इसके छोटे छोटे टॉप्स हैं, कोई इतने बड़े टॉप्स नहीं हैं, ये बस आप इस तरह से वेयर कर सकते हैं, तो ये भी आपका इतना फॉर्मल नहीं है, आप इसको कहीं भी जा रहे हैं सिंपल मिलने किसी से जा रहे हैं तो भी आप वेयर कर सकते हैं। अब एक बहुत खूबसूरत सेट मैं आपको दिखा रही हूँ,
ये जो है ये है 2012 का सेट, 2011 या 2012। ये बहुत हसीन सेट है, ये कंप्लीट फॉर्मल सेट है। इस तरह के जो सेट होते हैं जिसमें नग लगा होता है उसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, बहुत तरीके से उसको रखना पड़ता है। अगर नग इसके निकल भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ज्वेलर के पास जाएंगे वो आपको नग लगा के दे देगा। और आजकल ये बहुत एक्सपेंसिव हुई हुई हैं ज्वेलरीज, कोई इतनी आसानी से एक तो आपको आपकी मतलब की चीज़ भी नहीं मिलती और वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा जी, ये देखें, ये एक और ज्वेलरी है ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कॉम्बिनेशन के साथ। ये रही इसकी, इसका जो नॉट है वो बड़े मज़े का है, यूं करके बटन की तरह निकलता है। ये भी सेमी फॉर्मल है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं है। इसकी इयररिंग्स बहुत सिंपल सी हैं, और अगर नेक पे पहन रहे हैं तो फिर आप कान में से इसको आप निकाल सकते हैं। तो ये स्कर्ट्स हैं, शर्ट्स आप लोग वेयर करते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। एक और सेट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ से बंद हो जाता है, भी सेमी फॉर्मल है, आप इसको वेयर कर सकते हैं कहीं भी जाने के लिए, ये बहुत डिसेंट भी लुक दे रहा है। अच्छा जी, ये देखें, ये भी आपका सेमी फॉर्मल में आता है। ये देखें, ये आप येलो में, रेड में, किसी भी इसमें आप पहन सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये जरा फंकी सा है, आप व्हाइट शर्ट पहने उस पर इसको वेयर करें, बड़ा ही अच्छा लगता है। इस पर देखें, इस पर फ्लावर भी बना हुआ है और इसमें रिंग्स बनी हुई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अच्छा जी, ये देखें, ये भी बहुत फंकी सा है और ये भी फॉर्मल नहीं है। आप कोई वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा लगेगा, स्कर्ट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, जींस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पर यंग गर्ल्स। ये भी सेमी फॉर्मल है, आप इसको बिल्कुल इस तरह से पहन लीजिए और पहनने के बाद आपको जहां जाना है आप इजीली मूव कर सकते हैं। ये आप इस तरह से वेयर करें, प्लेन कलर की शर्ट बनाइए, उस पर आप कंट्रास्ट में भी इसको ले जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ज्वेलरी दिखा रही हूँ गोल्डन कलर के, पहले बड़े चलते थे। मैंने आपसे कहा ना, पहले गोल्ड का बड़ा फैशन था, तो लड़कियां जो थी वो गोल्डन कलर को बहुत ज़्यादा वेयर कर रही होती थी। अब आजकल जो है वो एकदम गोल्ड की तरह जो ज्वेलरी होती है वो इतनी पसंद लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब एंटीक पर आ गए हैं, फैशनेबल ज्वेलरीज की तरफ आ गए हैं। तो ये एक इस तरह के पहले झुमके आते थे और ये 93 के झुमके हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें। ठीक है, ये हैं, ये भी उसी दौर का है, ये पूरा कान बना हुआ है इसमें और नीचे झुमका है। ये सारे फॉर्मल में आते थे, लेकिन अब आप देखेंगे इतने बोल्ड कलर का गोल्डन जो है ना वो कोई भी नहीं पहन रहा होता। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, ये ब्रोचेस हैं। ये पहले बहुत साड़ियों पर इस तरह यहाँ पर लगाया जाता था, अब आजकल तो खवातीन ज़रा साड़ियाँ कम पहन रही हैं, शलवार कमीज या ट्राउज़र बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं, लेकिन जब इसका दौर था तो लोगों ने ये भी बहुत वेयर किया। अच्छा, इसके साथ साथ ये वाली ज्वेलरी देख लीजिए, ये जो है ये है 96 की बात है, ये उस वक्त की ज्वेलरी है और ये भी बहुत खूबसूरत लगती है। आज भी अगर मैं इसको पहनूँ तो ये बहुत अच्छी लगती है। गोल्डन के हवाले से मैंने बात की थी कि अब गोल्डन इतना नहीं पहना जाता। बहरहाल, ये खूबसूरत सा सेट है, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा सेट है गोल्डन कलर का, और ये काफ़ी हैवी भी है, ये काफ़ी हैवी भी है। ये फॉर्मल में आएगा, ये भी जिस तरह कुंदन का होता है ना, ये कुंदन से ही इंस्पायर होके बनाया गया है और इसको इस तरह से पहना जाता है। आप, ये फॉर्मल है आपका, ये सेमी फॉर्मल नहीं है। आई होप कि आपको ज्वेलरी अच्छी लगी होगी, और आपको मैंने बताया कि मैंने ज्वेलरी किस तरह से संभाल के रखी है, बिल्कुल आप भी इसी तरह से संभाल के रख सकते हैं। बाद में देखेंगे तो जैसे मुझे अच्छा लग रहा है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।